वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे सारे आपको तक एकदम बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया। तो भाई देखो हुआ क्या है, जो आप पहले दिन का नहीं, इसके बाद जो आप देखने वाले हो, इस दिन का जो इंट्रो था ना वो डिलीट हो गया किसी कारणवश। आई नो बहुत होता है, मिसाल में भाई इधर खाली हो रखा है मेरा खोपड़ी, कोई बात नहीं। बट तो मैं इंट्रो आज का शूट कर रहा हूँ और आप लोग ऐसा रिएक्ट करना दोबारा प्लीज़, ये एकदम फ्रेश है, ठीक है। आज के बाद व्लॉग आप उसी स्पिरिट से देखना कि एकदम फ्रेश स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, तो देख लेना। तो गाइस जैसा आपको पता ही हो चुका है, सावन खत्म, तो अब ना मैं छाया जा सकता है। तो आज मम्मी का स्पेशल, मम्मी का फेवरेट बन रहा है मच्छी। मछली जल की रानी है, अब रानी को हम तेल की रानी बना रहे हैं। ये भी मम्मी को फ्राई कर रही हैं, ऐसा ग्रेवी ग्रेवी बनेगा। जो नहीं खाता ना फिश, एक बार ट्राई करें, मतलब एज अ स्नैक में ट्राई करना। तो फिश फिंगर आते हैं और फिश कटलेट वगैरह आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं मछली की, तो आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी होती है एंड हाई ऑन प्रोटीन। सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं और एक बंदा देखो पढ़ाई लिखाई मत करियो। पिच क्या किया तू? पिच क्यों किया मेरे को? अभी टाइम है तो मेरे को पिच क्यों किया? तू मुझे पिच क्यों किया? तेरा बिजनेस आइडिया हूँ मैं, हैं? तू पिच क्यों किया मेरे को? अभी टाइम है, मैं यहीं बैठूंगा, डंबल पे बैठूंगा, मैं हटूंगा ही नहीं। मुड़ जाएगा वो, ऐसी पतला है बहुत, मुड़ जाएगा, देख मुड़ गया, मैं हटूंगा ही नहीं। तू पिच क्यों किया? फिर किया ठीक है, क्यों किया पिच? जल्दी जल्दी खा रहा है, तेरी रोटी खा लूंगा मैं। रूबी ले ले, ले रूबी ले, लो मम्मी लो, टाइसन की रोटी ले लो। उधर इतनी सारी वो मत खाइयो, बस उसको वही ले लेना, ले रूबी को दे दो उसकी रोटी। गाइज यहाँ चल रहा है राहुल यादव व्लॉग्स राखी वाला, जिसने नहीं देखा जाओ और देखो। और यहाँ फुल सेम पीपल मिलेगा। आप में से जिसने नहीं देखा है जाओ और अभी के अभी देख के आओ, लाइक जरूर कर देना। गाइज हेयर स्ट्रेटनर का सबसे पहला यूज मम्मी ने करा है, ये देखो कैसे पहले इसने मतलब बफ्ड रहते थे झाड़ू जैसे वालों मम्मी के, अब वो स्ट्रेट करके लंबे हो गए। गाइस पैट्रिक चल रही थी कि क्या कैसे काम करता है, स्ट्रेट मम्मी पे ट्राई किया और ये क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, ये दी पे ट्राई किया, पीछे हो ना, पीछे स्ट्रेट ही है। अरे पीछे हो मतलब कि कैमरे से दूर हट, कैसे लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। अभी राघव पे ट्राई करेंगे। इसी के साथ कर रहे हैं आज का चैलेंज स्टार्ट। मैं बहुत टाइम से नहीं आई, ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया, तो अपन कर रहे लाए इसमें क्या करनी का है। टॉर्टिला चैलेंज आपने देखा ही होगा ना, मुंह में पानी भरने का, स्टोन पेपर सीजर खेलने का है, स्टोन पेपर सीजर खेलने का है, और जो जीता तो वो हारने वाले के मुंह पे एक टॉर्टिला मारेगा। बस यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है कि हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम न्यूज़पेपर से करेंगे। अंदर की बात यह है कि टॉर्टिला अवेलेबल नहीं है ना कि रोटी, तो इसीलिए हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, तो फील आप वही आएगी, मजे वही आने वाले हैं, टॉर्टिला यूज नहीं कर रहे हम। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये आग लगा दी। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं चैलेंज स्टार्ट और हम करेंगे न्यूज़पेपर का यूज, उसको बराबर में बांट लेते हैं, मोटा वाला दोस्त जिनको नहीं पता टॉर्टिला चैलेंज क्या होता है, पानी पी पी के पेट भर जाएगा मेरा। टॉर्टिला चैलेंज क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली टॉर्टिला यूज करना होता है, उसमें एक बड़ी सी मैक्सिकन रोटी होती है, उसे कहते हैं टॉर्टिला, जिसका रह वो बनता है टाको बेल बनता है इसका। तो अभी हमारे पास वो है नहीं, हम यूज कर रहे हैं, और गेम का रूल ये है आपको मुंह में पानी भर के गिराना सामने, ऐसे 1 2 3 करके स्टोन पेपर सीजर, नहीं थोड़ा दूर से क्योंकि मारना भी है, ऐसे थोड़ी ना मारेंगे, स्टोन पेपर सीजर करेंगे हम, और जो जीतेगा वो जो हारेगा, जैसे सपोज मेरा सीजर आया और इसका पेपर आया तो मैं इसको ऐसे करके मार दूंगा। चल भाई मैं आउट हो गया, मैं बोला ऐसे गोरिल्ला करता है। धूप दी तो आउट है, फिर दोनों मिलके मारेंगे। आइयो कभी टीम बढ़ने के बाद, आइयो कभी, इतना गंदा खेलता है स्टंप पेपर।
चाल चाल चाल। मैंने उस कान से आत्मा निकलते थे अंग्रेजी में कोई पढ़ नहीं आई मैं हूँ साथ में तू गाइस मैं हार रहा हूँ बार बार रहने दो राघव खेलेगा मजा आएगा। चार राउंड लगातार हार रहा है अब चार राउंड जीत के न्यू कंटेस्टेंट राघव खेलेगा मजा आएगा इसके साथ। अब लाओ 10 लीटर पानी तो 10 मिनट की वीडियो कर करो रिकॉर्ड। क्या थे मैं बोलूंगा स्टोन पेपर सीजर ठीक है मैं बोलूंगा स्टोन पेपर सीजर अटैक चल 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 हाथ नीचे गला ले बात करी मार 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 तीन मारी है बहुत जोर जोर से मारी मार 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 चीते स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर चल लास्ट राउंड मार का जल्दी गाइस तो टॉर्टिला चैलेंज कर लिया लोग कितने खाते हैं मजेदार था नहीं जितना रील वील में दिखाते ओके हो गया था फ्रेंड्स का ट्राई करना शायद अलग मजे आते आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ट्राई जरूर करना एंड इट वाज ओके ठीक है टाइम पास मस्ती के लिए कर लिया और फूड वेस्ट मत करना हमेशा न्यूज़ पेपर यूज़ कर लेना। गाइस गए थे छत पर पतंग उड़ाने सोचा कि थोड़ा सा उड़ा के आते हैं थोड़ा टाइम पास हो जाएगा मज़ा हो जाएगा तो एक चीज़ मैंने देखी कि स्टिल चाइनीज़ मांझा बैन है प्लास्टिक मांझा उसको बेसिकली कहते हैं स्टिल बहुत लोग खरीद रहे हैं उसको बेच भी रहे हैं। देखो यार तुम खरीदोगे नहीं तो कोई बेचेगा नहीं और प्लीज़ ये अवॉइड करो कि चाइनीज़ मांझा तुम लो प्लास्टिक होता है और इतना हार्ड होता है। आप जितने भी केस सुनते हो ना कि गला वाला कट गया मांझे से ये वो चाइनीज़ मांझा ही होता है एक थ्रेड वाला होता है जो मैं लेके आया मेरे को तो प्लास्टिक वो लिटरली बहुत हार्ड प्लास्टिक आप हाथ से खींचोगे ना तो भी नहीं टूटेगा और सही नहीं है यार चिड़ियाँ ही कट जाती हैं उसकी वजह से लोगों को मतलब एक अभी दी की कोई फ्रेंड थी उनके नोन में उनके मतलब कोई कज़न वज़न भाई था उसका भी गला कट गया वो और एट द स्पॉट ही डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं तो भाई तुम थोड़ा अपने अंदर एक इंसानियत रखो मोरल रखो कि भाई तुम्हारे मज़े के चक्कर में कि ये आई वो पतंग काट दी भाई तो दूसरा मांझा ले लो यार उससे भी तो पतंगे कटती हैं ज़रूरी है मतलब तुम्हें खुद को ये समझनी चाहिए। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मतलब ये व्लॉग देख रहे हैं जिनके पास भी पहुँचेगा अगर आप पतंग उड़ाते हो तो चाइनीज़ मांझा या प्लास्टिक मांझा मत लेना अवॉइड करना बैन है स्टिल लोग बेच रहे हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं आप खरीदोगे नहीं तो बेचेंगे नहीं और प्रोडक्शन ऐसे नहीं होगा फिर तो ये चीज़ में आप में ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा यार हर चीज़ सेलिब्रेट करो लेकिन एक तरीके से समझ रहे हो अपने ही सिर्फ उसके चक्कर में किसी और तुम्हारे फैमिली के भी लोग बाइक पे घूमते हैं तुम एक टाइम को ये सोचो इसीलिए प्लास्टिक मांझा और चाइनीज़ मांझा मत लो प्लीज़ मत लो।